हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम पुष्पन दकर एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेंसेस, और जी हाँ, पूरे टेंसेस आपको बताने वाला हूँ। बिग ट्रिक कि आपको पूरे जो अधिकतर क्या होता है कि टेंस याद ही नहीं होते बच्चों को, कि टेंस का मैं ये रूल कहाँ से समझे, वो रूल कहाँ से समझे, ये चीज़ कहाँ से आए, तो हम वही इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, टेंस जो आपके होते हैं, टेंस आपके होते हैं आपके बेसिकली थ्री टाइप्स के। जी हाँ, कितने होते हैं? थ्री टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये आपके बेसिकली तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आपको बता दूं कि हर एक टेंस के टाइप होते हैं, जो होते हैं आपके चारों जो आपके तीनों टेंस हैं इसके आपके चार टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। जी हाँ, आपके जितने भी टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट टेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही आपका पास्ट होगा, ऐसे ही आपका फ्यूचर होगा। तो अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टेंस आपके तीन तरह के, फिर एक एक टेंस के चार टाइप, मतलब टोटल करके 12 हो गए आपके। तो टोटल आपके 12 टाइप के टेंस हो जाते हैं। अब इनको पहचाने कैसे, इनके रूल्स कैसे याद रखें और कैसे कैसे समझें, तो हम ये चीज़ देखते हैं। तो देखिएगा, बहुत सिंपल होता है, ऐसे ध्यान रखना। आपको बता दूं कि इंग्लिश में अगर आपको टेंस को ध्यान रखना है तो दो तीन बातों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पहली चीज होती है आपकी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब। पहली चीज होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, अगर किसी भी टेंस को आपको इंग्लिश में पहचानना हो कि वो कौन सा टेंस है, तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। और दूसरी चीज में आपकी आती मेन वर्ब। मेन वर्ब आपके अलग अलग टेंस होते हैं, तो मेन वर्ब भी आपके अलग, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसके साथ ing लगा है कि नहीं लगा। तो ये आपको मेन वर्ब और वर्ब्स के आपको हिसाब से देखना है कि वो टेंस कौन सा। तो ये इसी, अगर आपने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अगर आपने ध्यान दिया ध्यान से, तो आप आसानी से किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के पूरे स्टाइल कि इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे। प्रेजेंट में हम देखें, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर मैं पहचानना हो, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। जी हाँ, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डू और डज। अगर आपको कहीं भी डू और डज दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू या डज। अब लेकिन इसमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका डू या डज, अभी आगे हम बढ़ते फिर देखते हैं। कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम और आर। परफेक्ट टेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में वो होती है आपकी हैज बीन या फिर आपका हैव बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन। जी हाँ, तो अगर आप किसी भी सेंटेंस में आप देखें डू एंड डज, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज एम आर देखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट में आपका हैज और हैव है, और आपका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में आपका हैज बीन और हैव बीन है। तो ये चीज आपको बकायदा ध्यान रखनी है अगर आपको टेंस पहचाना। तो सिंपल क्या, आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानना है। तो मैं आपको बता था, अब ये हेल्पिंग वर्ब, अब आते हैं मेन वर्ब पे। तो आपको बता दूं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगता है। जी हाँ, कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में चाहे वो, मैं आपको एक बात बता दूं, एक यूनिवर्सल लॉ है कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में चाहे आपका वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों टेंस में कुछ भी हो, कंटिन्यूअस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा क्या लगती है? आईएनजी लगती है। अब आते हैं परफेक्ट टेंस में। तो आपको परफेक्ट, जिस प्रकार से कंटिन्यूअस का यूनिवर्सल रूल है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे परफेक्ट टेंस में भी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, आपका यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये चीज आपको समझ में आया कि हमेशा कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इन दोनों का रूल, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, तीनों के लिए एक ही होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किसके लिए यूज करें? कंटिन्यूअस के लिए। और अगर आप परफेक्ट टेंस हो तो वर्ब की
थर्ड फॉर्म। अब हम आते हैं आपका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस पे। इसका बहुत सिंपल होता है, इसका भी जैसे आपका कंटिन्यूअस परफेक्ट का सिंपल जो तीनों के टेंस के लिए रूल है उसी हिसाब से आपका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस के लिए भी रूल है। इसमें परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, मतलब ये कंटिन्यूअस की तरह होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा आएगा। अब आप कहेंगे सर कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में हम दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि हमेशा परफेक्ट प्रेजेंट आपका कोई भी कंटिन्यूअस हो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हमेशा इसमें टाइमिंग रहता है। टाइम आपका दो तरह का होता है, एक पॉइंट ऑफ द टाइम और एक पीरियड ऑफ द टाइम, जिसमें आपका सिंस या फॉर हमें यूज करना होता है। तो हमेशा सिंस या फॉर दिया हो तो आपका हमेशा कौन सा यूज होगा, आपका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस यूज होगा। तो इसी के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के हिसाब से हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम आते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में बहुत सिंपल कोई पहचानने का, अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डिड। जी हाँ, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। और इसका कंटिन्यूअस का हम बात करें तो इसका होता है आपका वॉज या वर्ब। परफेक्ट की बात करें तो इसका होता है हैड, और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की बात करें तो ये होता है हैड बी। तो ये चीज आप समझ सकते हैं आराम से कि अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट टेंस की बात करें तो अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो डिड यूज होगा, कंटिन्यूअस है तो वॉज वर्ब होगा, और अगर परफेक्ट है तो हैड होगा, और अगर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस तो हैड बीन होगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं आपका वाई हेल्पिंग वर्ब। अब आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब में यहाँ पे आपका बता दूं सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी चेंज है। चेंज ये है कि इसका जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जी हाँ सिर्फ इसी में ओनली इसके सिंपल सेंटेंस में वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होता है। अगर कहीं भी आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है तो समझ लीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस है, बाकी में जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव होते हैं सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो आपको वहाँ पे डिड से पहचान हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिंपल सेंटेंस में डिड यूज मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें पता चल जाता है, तो इससे हम पहचान लेते हैं अच्छा ये सिंपल पास्ट टेंस है, नहीं तो आपको डिड दिख ही जाएगा वहाँ की जगह। इसमें आप कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस में जो बता चुका हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा क्या आएगा आई एन जी, और ये थर्ड परफेक्ट फॉर्म है तो आपका थर्ड फॉर्म लग जाएगा यहाँ पे, और साथ में हेड आ जाएगा, और यहाँ पे आपको कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगना है आई एन जी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये रूल तो आपके पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब में सेम है, तो इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्पिंग वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और अगर वॉज वर है तो आपका क्या हो जाएगा ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका टेंस का पास्ट टेंस आपका फिनिश होता है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस पे। तो फ्यूचर टेंस को पहचानने कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो देखिएगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फ्यूचर टेंस में शैल और विल होती है, लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश अब आपका जो शैल का यूज है वो बंद हो गया, टेंस में सिर्फ विल का यूज करते हैं। तो अगर आपको शैल दिखता है तो वो फ्यूचर इन द सेंस हो सकता है, लेकिन आपको अधिकतर अभी विल यूज ही करना है। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है विल, कंटिन्यूस की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होती है विल वी, और परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव, और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बी। तो अगर आपको फ्यूचर टेंस पहचाने तो अगर आपको विल अकेला दिखता है तो सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल बी दिखता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, विल हैव दिखता है तो परफेक्ट टेंस है, और विल परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस दिखता है तो विल हैव बीन है, विल हैव बीन। अगर इसके बाद हम आता है मेन वर्ब पे, तो मेन वर्ब वही का वही रूल है, आपका सिंपल सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और परफेक्ट टेंस में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन ध्यान रहे इसमें आपको सिंस एंड फॉर दिखेगा, सिंस और फॉर। सिंस किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ द टाइम, फॉर किसके लिए यूज करते हैं, पीरियड ऑफ द टाइम। जैसे कि बोला कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो 4:04। अगर मैं किसी प्रॉपर टाइम की बात करूँ जैसे 4 o'clock, मैं 4 सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूँ तो सिंस 4 o'clock इन मॉर्निंग। इस तरीके से इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ द टाइम का हम यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आपके टेंस का आइडेंटिफिकेशन आपका फिनिश होता है,
और बाकी के मैंने पूरा वीडियो पे तो डिटेल में बनाया हुआ टेंस की पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप ये आई बटन पे क्लिक करके वहां पर जा सकते हैं और पूरे टेंस आप विद डिटेल आप वहां पे पढ़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।